বিজেপি ও তৃণমূলের কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপকভাবে ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশ দ্রুত তাদের সরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে প্রচুর পরিমাণ পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। রাজ্যের প্রতিনিধি দল নির্যাতিতা পরিবারের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন বাড়ির বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মীবৃন্দ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গাজলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, গাজল ব্লক বিজেপির নেতা ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, নিহার রঞ্জন মণ্ডল, রাজ্যের প্রতিনিধি দল কথা বলে বেরিয়ে আসেন। তারপর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল নির্যাতিতা পরিবারের সাথে কথা বলার জন্য তার বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন। তখন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান এবং বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে তারা বাড়ির ভেতর চলে যান। উপস্থিত ছিলেন গাজল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীনেশ টুডু, গাজল ব্লক মহিলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, গাজল ব্লক আইএনটিটিউসির সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ। সেখানে ছুটে যান বিজেপির কর্মীরা এবং এলাকাবাসী। তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ছুটে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তারা দুই পক্ষকে আলাদা করে সরিয়ে দেন। পরবর্তীতে প্রচুর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। चेयरपर्सन महिला पुलिस वालों के साथ अंदर घुसी है। हमको बच्चे से बात नहीं करने दे रही है। बच्चे की माँ विनती कर रही है, हो रही है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। न बच्चे से बात करने दे रही है, न पुलिस वालों को वहाँ से हटा रही है। क्यों कर रहा है सर? वो छुपाना चाहते हैं राज्य सरकार की नाकामियों को। आप पूछिए परिवार से, क्या उनको आज तक मुआवजा मिला? क्या उनको पता चला? गिरफ्तारी की जानकारी उनको दी? क्या बेल एप्लीकेशन की जानकारी उनको दी? क्या फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने की जानकारी उनको दी? ये सब पुलिस की प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है। ये सब बातें रिपोर्ट में ना आए, वो छुपाना चाहती हैं, इसलिए हमको मिलने नहीं देना चाहते। अब तो अंदर गए थे क्या? मैं अंदर गया था, वहाँ स्टेट कमीशन की चेयरपर्सन पुलिस वालों के साथ अंदर घुसाई। पुलिस वालों के सामने पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की जाती। वो पुलिस को लेकर अंदर घुसे, यूनिफॉर्म वाले लोगों को लेकर अंदर घुसे और हमको काम नहीं करने दे रही। सर, यहाँ का गाँव वाले सारे आपके स्टेट कमीशन की चेयरपर्सन पुलिस वालों को लेके अंदर घुस आई। कुछ लोग सिविल यूनिफॉर्म में थे। हमने उनसे पूछा, आप बोले तो बोले हम पुलिस वाले हैं, लेकिन वो गुंडों की तरह व्यवहार करते हुए जबरन घर के अंदर घुस आए। बच्चे की माँ रो रही है, हाथ जोड़ जोड़ के कह रही है कि आप बाहर निकल जाइए। वो बाहर निकलने को राजी नहीं है, हमको बात करने दे नहीं रहे। क्या लीगल स्टेप लेंगे आप? अभी हम अपनी लीगल टीम को लगा रहे हैं, बातचीत करेंगे कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बात कर सकें। हमने यहाँ के एडीएम से भी बात की, एडीएम तो फोन पे आई नहीं बात करने के लिए। हमने एडीएम से बात की है, एडीएम को भी हमने बोला है कि हमारी बातचीत करा दीजिए। Yeah.
ভিক 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 কর ভিক 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 কর